हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइज, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए वाओ का सनस्क्रीन का रिव्यू। जी हाँ गाइज, ये एक बहुत ही बेस्ट वाला सनस्क्रीन है। मैंने सोचा कि मैं ट्राई कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी इसका रिव्यू जरूर शेयर करूँ, क्योंकि इस तो गाइज ये है वाओ स्किन साइंस का डेली बॉड स्पेक्ट्रम यूवीए एंड यूवीबी प्रोटेक्शन सनस्क्रीन मैट फिनिश क्रीम। जी हाँ, ये है मैट फिनिश क्रीम जो कि एसपीएफ 35 है। इसके एसपीएफ 50 भी आती है, 50, और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। नेचुरल सनब्लॉकर्स है, इसमें रसबेरी एक्सट्रैक्ट है, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट है एंड एवोकाडो ऑयल है। सो गाइस, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात ये कि अगर आप गर्मियों में कि आप किसी भी वेदर में आप सनस्क्रीन का यूज नहीं करते हो, तो मैं आपको बता दूं कि अगर सनस्क्रीन का यूज हम लोग नहीं करते हैं तो आगे जाके हमारी स्किन बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। सन की रेज होती है वो हमारी स्किन पर डायरेक्ट इफेक्ट करती है। आप बाहर नहीं भी निकलते तो भी हमें सनस्क्रीन का जरूर यूज करना चाहिए। तो गाइज, अगर हम लोग रेगुलर बेसिस पे सनस्क्रीन यूज करते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा डलनेस से बची रहती है, रैशेस नहीं होते हैं, रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, हमारी स्किन पे टैनिंग नहीं होती है, जो कि बहुत मुझे टैनिंग बहुत होती है, गर्मियों में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सनस्क्रीन का यूज करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हमेशा सनस्क्रीन यूज करती हूँ बट फिर भी मुझे टैनिंग हो जाती है, पर इस बार मैं ये दो वाओ के सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ। ये स्प्रे फॉर्म में है एंड ये क्रीम फॉर्म में है, और ये 35 एसपीएफ है, ये 30 एसपीएफ, ये दोनों ही सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे वाले हैं। मैं इनको यूज कर रही हूँ। गाइस, आप देख सकते हैं ये इतना हाफ बॉटल खत्म हो गया, इसको मैंने अभी शुरू किया है यूज करना। दोनों ही मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर दूं। तो गाइज, दोनों ही नेचुरल, दोनों ही ऑल स्किन टाइप को सूट करने वाला है, दोनों ही नेचुरल सन ब्लॉकर्स है, दोनों ही सेम एक्सट्रैक्ट है, रसबेरी एक्सट्रैक्ट, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट एंड एवोकाडो ऑयल। सो गाइज, इस वाले को आपको शेव करना है, देन अपने फेस पे स्प्रे कर लेना है, दैट्स इट। और इसकी कंसिस्टेंसी जस्ट ये मैट फिनिश देता है गाइज, ये देखिए इस तरीके की इसकी थिकनेस है, इस तरीके की थिकनेस है, और ये आप इसको अगर यूज करते हैं ये जो आपको मैट फिनिश देता है एकदम आपके फेस पे, बिल्कुल भी आपके फेस को ऑयलीनेस नहीं बनाता है, ये देखिए बिल्कुल भी आपके। और सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स, और सबसे अच्छी बात ये कि ये हमें बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन देता है, एक आपके फेस पे एक लेयर बिल्डअप कर देता है, जिससे सन की जो किरणें होती है, जो हार्मफुल किरणें होती है, वो हमारी स्किन को डैमेज नहीं कर पाती हैं। तो गाइज ये बेस्ट वाली, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, इसकी भी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। दोनों ही बस आप अपने आंखों को बचा, बस अपने आईज के एरिया को छोड़कर पूरे फेस पे अप्लाई करिए, देन इसका इफेक्ट देखिए। आपकी स्किन पे टैनिंग नहीं होगी, आपकी स्किन पे रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, नेस होने लगती, इचिंग प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि हमें बिल्कुल, फिर हमें बहुत सारी दवाइयां लेनी पड़ती है, फिर हमें स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ता है। सो गाइज, सबसे अच्छा तरीका है कि आप सन क्रीम का यूज करना शुरू कर दीजिए, अगर आप नहीं यूज करते हैं तो, क्योंकि सन क्रीम हमारे स्किन के लिए, और गाइज ये वाली सनक्रीम आप जरूर यूज करिएगा, दिस इज वेरी बेस्ट वाली सनक्रीम। इसकी सेल्फ लाइफ है 23 तक, और इसकी भी सेल्फ लाइफ है, इसकी सेल्फ लाइफ 22 तक है, इसकी सेल्फ लाइफ 23 तक है। ये मैं हाफ बॉटल खत्म कर चुकी। इसका कॉस्ट जो है वो 375 रुपीज है गाइज, और 100 ml इसकी क्वांटिटी है, और इसकी जो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट है 399 रुपीज, 399 रुपीज की कॉस्ट है, और इसकी भी 100 ml क्वांटिटी है। तो गाइज, आई हाईली रिकमेंडेड फॉर दिस प्रोडक्ट, दोनों ही प्रोडक्ट बेस्ट वाले हैं। अगर आप गर्मियों में टैनिंग से, इचिंग से, सन बर्न से बचना चाहते हैं तो प्लीज 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 सनक्रीम का यूज करना शुरू करिए, और मेरी रिकमेंडेशन पे आप ये वाली सनक्रीम जरूर यूज करिए। चाहे आप ये भी यूज कर सकते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं। अगर गाइज आप चाहें तो आप 50 SPF भी ले सकते हैं, मुझे 30-35 में ठीक लगता है, तो मैं 30-35 तक ही रहती हूँ, 50 तक नहीं जाती, क्योंकि 50 लगाते ही मेरे फेस पे बहुत ज्यादा इचिंग होने लगती है, बहुत ज्यादा जलन होने लगती, बर्न होने लगता है, तो इस वजह से मैं SPF 35 तक ही रहती हूँ। तो इसलिए मैंने ये दोनों परचेज किया, और इसका रिजल्ट गाइज, आई एम रियली हैप्पी, दिस इज बेस्ट सनस्क्रीन। और गाइज, दोनों ही प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको लेना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज, आई होप आपके लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं, जिससे जो भी मैं न्यू वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।